कराची में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार, आज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मॉनसून का सिस्टम कराची से बाहर हो गया, कराची में आगे बारिश के कोई इम्कान नहीं है। हवा के कम दबाव के बाइस कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। जी देखिए, जो मॉनसून का स्पेल पिछले 3-4 दिनों से ईस्टर्न सिंध में बारिश बरसा रहा था, ठट्ठा वदीन और उधर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर खास और उमरकोटम, चारों पांचों डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी बारिश हुई है। कराची में भी कल कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश हुई है, तो वो सिलसिला तो खत्म हो गया है यहाँ से। डीजी मेट का कहना है कि अक्टूबर का महीना गर्म रहेगा। कल से कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने के बाइस गर्मी की शिद्दत में कमी वाकई होगी। समंदरी हवाओं में तातुल के बाइस अक्टूबर का महीना गर्म रहेगा। अभी पिछले 4-5 दिन से जो गर्मी पड़ रही थी वो बुनियादी तौर पे इसी लो प्रेशर एरिया की वजह से पड़ रही थी, जो हमारे पड़ोस में इंडियन राजस्थान के ऊपर और फिर आगे रन ऑफ कच्छ के ऊपर से होता हुआ समंदर में गया है, तो उसकी वजह से सी ब्रीज एक तरह से उसके अंदर जा रही थी, ट्रैप हो रही थी कराची के ऊपर या दूसरे जो कोस्टल पट्टी है उस पर सी ब्रीज उस तवातों से नहीं चल रही थी, तो यूँ गर्मी पड़ रही थी। अब जब ये लो प्रेशर एरिया आज ख़त्म हो गया है तो कल से सी ब्रीज बहाल हो जाएगी और कराची का टेम्परेचर भी 32 से 34 की रेंज में आ जाएगा। दिन में ज़्यादातर मतलब जज्वी तौर पर अब रामुदा करेगा, अब आगे बारिश वारिश का कोई चांसेस नहीं है पूरे सिंध में अगले 1-2 हफ्ते तक, 10 दिन तक। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 27.5 रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 81% तक है। शुमाल मशरक की जानिब से 2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज्यादा से ज्यादा 32 तक पहुंचने का इम्कान है। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।